So welcome student. जैसे कि हम आज ऑर्डर स्पेस मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे थे, नाउ क्या टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें, दैट इज व्हाट तो कंटेंट हमारा रहेगा वो किस तरह से रहेगा, दैट इज डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर स्पेस। तो किस तरह से हम ऑर्डर स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वेस्ट की, तो हम उसको हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में डालेंगे। सोर्सेस क्या क्या हैं, सो दे आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेस, ठीक है। तो अगर आप डोमेस्टिक या हाउस होल्ड सोर्स की बात करते हैं तो वहाँ से भी कुछ आपको हैजार्डस सब्सटेंस मिलता है, ठीक है। अगर आप इंडस्ट्रियल सोर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी हैजार्डस सब्सटेंस आपको मिलता है। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, टॉक्सिक है, कोरोसिव है, ठीक है, पॉइजनस है, रेडियो एक्टिविटी है उसमें, ठीक है, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी। ऑब्वियसली दिस कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड अपॉन द सोर्स, ठीक है। नाउ लिस्ट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, तो एक हैजार्डस वेस्ट की लिस्ट कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कैरेक्टराइज किए एंड डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में हमने डाला, ठीक है। नाउ व्हाट आर द हैजार्डस केमिकल्स, वेस्ट कंट्रोल मेजर्स, वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड एंड डिस्पोजल। तो अगर जनरल हम प्रोसेस फॉलो करें तो सोर्स के बाद आपका क्या आएगा, ट्रीटमेंट प्रोसेस, या सोर्स के बाद हम कलेक्शन प्रोसेस को इंक्लूड कर सकते हैं, कलेक्शन के बाद ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को इंक्लूड कर सकते हैं, नाउ आफ्टर दैट ट्रीटमेंट और डिस्पोजल प्रोसेस। तो सोर्स से जो भी जनरेट हुआ, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि दैट वेस्ट इज ए काइंड ऑफ हैजार्डस वेस्ट। नाउ सर्टेन कंसर्न इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इन द केस ऑफ हैजार्डस वेस्ट। जैसे कि म्यूनिसिपल सॉलिड में हम बात कर रहे थे तो कलेक्शन इज अ इम्पॉर्टेंट यूनिट, ठीक है, बट अगर हम कंपेयर करें हैजार्डस वेस्ट और म्यूनिसिपल वेस्ट को, तो इन द केस ऑफ हैजार्डस वेस्ट वी नीड मोर कंसर्न, वी रिक्वायर मोर कंसर्न इन द केस ऑफ हैजार्डस वेस्ट। सो एट ईच एंड एवरी यूनिट, एट ईच एंड एवरी कंपोनेंट आपको स्पेशल कंसर्न रिक्वायर्ड हो, ठीक है, इन द केस ऑफ हैंडलिंग हैजार्डस वेस्ट। तो व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोसेस, वॉट आर द डिफरेंट डिफरेंट डिस्पोजल मैथड्स, किस तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे, डिस्पोज करेंगे। ऑब्वियसली अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है और उस टॉक्सिक सब्सटेंस को, या कोई ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको आपने एक्सपोज किया एनवायरमेंट, तो वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, मदर अर्थ को, आपके एनवायरमेंट को, हमारी हेल्थ को। तो हमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैजार्डस वेस्ट। तो आइडेंटिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, तो सोर्स पे जो भी वेस्ट जनरेट हुआ, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको स्किल्ड मैन पावर रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, फॉर दैट आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है, अगर आप हैजार्डस वेस्ट के कंसर्न में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जो भी उसको हैंडल कर रहा है उसको एक्चुअली में पता है कि हमें इस तरह के सब्सटेंस को किस तरह से मैनेज करना है। अगर उसको ये नहीं पता है तो वो गलत तरीके से अगर उसको हैंडल करेगा तो वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो इन दिस सेशन मैं सिंपली आपको एक ओवरव्यू दूंगा, ओवरव्यू अबाउट हैजार्डस वेस्ट। तो व्हाट इज एक्चुअली अ डेफिनेशन, हम किस काइंड ऑफ वेस्ट को हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। द हैजार्डस वेस्ट इज अ वेस्ट विद प्रॉपर्टीज दैट मेक इट डेंजरस और कैपेबल ऑफ हैविंग ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट। तो हमारा जो मेजर कंसर्न है वो ये है
कि जनरेशन इज ओके, ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो रहा है तो वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट जनरेट होगा, ठीक है, बट क्या हम मैनेजमेंट पार्ट पे इसको प्रॉपरली या ट्रीटमेंट पार्ट पे इसको प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं? ठीक है, तो जनरेशन पार्ट एंड ट्रीटमेंट पार्ट, तो हम इंडस्ट्री प्रोसेस को बंद नहीं कर सकते, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड पार्ट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट, बट जनरेशन के बाद हम उसको प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो इस तरह का सब्सटेंस जो हार्मफुल हो सकता है, इस तरह का सब्सटेंस जो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है, एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है, जैसे दिल्ली में कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे डाइंग इंडस्ट्री है या ब्लीचिंग इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज से जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट निकलता है वो डायरेक्ट रिवर में डिस्चार्ज होने की वजह से, ठीक है, बहुत सारी एसोसिएट प्रॉब्लम्स वहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इंक्लूड ड्रेन क्लीनर्स, ऑयल पेंट्स, मोटर ऑयल, एंटी फ्रीज, फ्यूल, पॉइजन, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, फ्लोरोसेंट लैम्प, लैम्प बैलास्ट, स्मोक डिटेक्टर, मेडिकल वेस्ट। हाँ, मेडिकल वेस्ट, यहाँ पे हम मेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट को सेपरेट पोर्शन में डिस्कस करेंगे, बट इट इज मेडिकल वेस्ट को हम इन्फेक्शियस कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, एंड सम टाइप्स ऑफ क्लिनिकल केमिकल्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज वॉट ई वेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक। सो द पॉइंट इज कि अगर आप एक हाउस होल्ड यूनिट की बात करते हैं तो उस हाउस होल्ड यूनिट में भी आपको हैजार्डस सब्सटेंस मिलेंगे, ठीक है, जैसे यूज्ड बैटरी हो गया, क्लीनिंग एजेंट हो गए, ठीक है, या डिफरेंट केमिकल्स जो आप यूज करते हैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए, फ्रीजिंग एजेंट हो गए, तो वो आपके हाउस होल्ड यूनिट से भी मिलेंगे, और स्मॉल इंडस्ट्री से भी मिलेंगे, लार्ज इंडस्ट्री से मिलेंगे, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। नाउ व्हाट आर द सोर्सेस? द हैजार्डस वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम मैनी सोर्सेस रेंजिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेस्ट टू बैटरीज एंड मे कम इन मैनी फॉर्म इंक्लूडिंग लिक्विड सॉलिड एंड स्लज। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से आपको हजारस वेस्ट मिल सकता है, सॉलिड गैसेस, लिक्विड, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपको मिल सकता है। तो इट इंक्लूड्स क्लिनिकल वेस्ट, वेस्ट ऑयल, हाइड्रोकार्बन्स, इमल्सन्स, वेस्ट फ्रॉम प्रोडक्शन, फॉर्मुलेशन एंड यूज ऑफ रेजिन, लेटेक्स, प्लास्टिसाइजेस। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड का सब्सटेंस मिल सकता है जो हैजार्डस हो सकता है, ठीक है। ग्लूज, एडहेसिव्स, वेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक, रेजिड्यूज अराइजिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल ऑपरेशन, वेस्ट विच कंटेन सर्टेन कंपाउंड्स जैसे कॉपर, जिंक, कैडमियम, मर्करी, लीड एंड एस्बेस्टस, और जैसे मैंने बताया हाउस होल्ड वेस्ट। तो हाउस होल्ड से भी आपको हैजार्डस काइंड ऑफ वेस्ट जनरेट हो सकता है। ना कंसर्न क्या है, जनरल कंसर्न क्या है, जो भी हजार्डस सब्सटेंस जनरेट हुआ है उसको आप प्रॉपरली मैनेज कर लें। प्रॉपरली मैनेज करें मतलब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट मेथड को अडॉप्ट करें, ठीक है, अगर आप और एंड प्रॉपर डिस्पोजल मेथड को अडॉप्ट करें। अगर आप इम्प्रॉपर मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम का कारण, ठीक है। तो कंसर्न हमारा क्या है, तो जो एनवायरमेंट हेल्थ को हमें बचाना है, ह्यूमन हेल्थ को बचाना है, ठीक है। तो अगर आप ओपन डंपिंग करेंगे टॉक्सिक सब्सटेंस का तो वो हार्म करेगा एनवायरमेंट को एंड सराउंडिंग लाइफ को, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, क्या किस तरह का ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, किस तरह के सब्सटेंस के लिए, इसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे।